हेलो भाइयों, मैं हूँ अरमान और आज एक और नई वीडियो में अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम दोबारा वीडियो बना रहे हैं टाटा पंच की। जो पहले मैंने दिखाया था वो आपको टाटा पंच का टॉप वेरिएंट दिखाया था, अब जो देख रहे हैं टॉप से एक नीचे वाला वेरिएंट है जिसका नाम है टाटा पंच अकम्प्लिश, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप ये स्क्रीन शॉट ले लेना और सारी डिटेल देख लेना। ये इसके सारे वेरियंट्स हैं और जो आप ये दिखा रहा हूँ टाटा पंच अकम्प्लिश, इसका प्राइस है 7,29,000 एक्स शोरूम, उसमें आपको ऑन रोड प्राइस भी शो हो रहे होंगे। तो प्राइस तो मैंने पहले ही दिखा दिया और अब गाड़ी की शुरुआत करते हैं। और अब बात करें इसके फ्रंट से, तो इसमें आपको DRS नहीं मिलेंगे इस वेरिएंट में, आपको क्रोम गार्निशिंग जरूर मिल जाती है यहाँ से शुरू होते हुए और यहाँ पर एंड हो जाएगी। और इसकी ग्रिल की बात करें तो आपको पियानो इलेक्ट्रीशियन मिलेगी और यहाँ पे ट्राई एरो के आपको लोगो मिलेंगे और यहाँ पे आपको यहाँ हॉर्न की प्लेसिंग दी गई जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हॉर्न की आपको साउंड बार बार का मतलब सुनाई दे। नीचे आपको जो बम्पर मिलेंगे आपसे कौन सा वेरियंट ले लीजिए वो ब्लैक ही मिलेंगे आपको, बॉडी कलर किसी में भी नहीं मिलेंगे। इसमें नाई प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे, हेलोजन मिलेंगे, टॉप लेंट के अंदर जाना पड़ेगा प्रोजेक्टर के लिए आपको। नीचे आपको फोग लैम्प की प्लेसिंग मिल जाएगी। और कलर की बात करें तो इसके अंदर आपको 6 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें वाइट भी आपको मिलेगा और ये आप देख रहे हैं इसका ग्रे कलर, सिल्वर ग्रे कलर। और इसकी की बात करें तो इसमें आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है, टाटा की चाहे कौन सी कार ले लीजिए सब मेरी कीलेस एंट्री सेम की मिलेगी, चाहे सफारी लो या हैरियर ले लो कोई भी कार, जिसमें लॉक अनलॉक इसको प्रेस करके रखेंगे तो आपको पार्किंग में आपकी कार फाइंड करनी ढूंढनी हो तो इसको प्रेस करके रखें सिंपली, उसके हेडलैम्प ऑन हो जाएंगे। इसमें सिंपल हेलोजन हेडलैम्प आते हैं और DRS की जगह भी आपको पार्किंग लाइट दे दी गई है, जो पार्किंग के लाइट की जगह DRS होते हैं उसको बंद कर देते हैं। और बात करते हैं इसके साइड से, अगर इसके प्राइस कंपेयर करें नेक्सॉन से तो इसके प्राइस में लगभग 2 लाख रुपये का डिफरेंस है जो कि नेक्सॉन से है। और आपको कम प्राइस में SUV लेनी तो आप इसकी तरफ ज़रूर जा सकते हैं। और बात करें इसके टायर की, इसमें अलॉय व्हील नहीं मिलेंगे आपको, स्टील फ्री मिलेंगे अलॉय टाइप। और इसके टायर साइज़ की बात करें तो इसके अंदर आपको 15 इंच मामली तरफ। और बात करें इसके टायर साइज़ की तो इसके अंदर आपको 185/70R 15 इंच के टायर मिल जाते हैं स्टील रिम। और आपको फेंडर पे टर्न इंडिकेटर नहीं मिलेगा, ORM से मिलेगा, बॉडी कलर ORM से मिलेंगे, फ्रीक्वे सेंसर मिलेगा आपको, डोर हैंडल इसके आपको अल्ट्रोज की तरह मिलेंगे सेम। और यहाँ पे आपको अल्ट्रोज की जगह प्लेसिंग है जहाँ पे डोर हैंडल की वहीं पे मिलेगी। और इसके अंदर आपको रियर वाइपर रियर डिफोगर नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको टॉप वेरिएंट के अंदर जाना पड़ेगा। इसमें हाई स्टॉप लैंप मिल जाएगा आपको, पंच की बैजिंग, रियर कैमरा मिल जाएगा आपको इसके अंदर। और इसके आपको LED आपको इसके अंदर टेल लैंप मिल जाएंगे। और अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, ऐसा कुछ इसके अंदर आपको बूट स्पेस मिलता है, यहाँ पे आपको बूट लैंप मिल जाएगा, पार्सल ट्रे मिल जाएगी और बूट स्पेस आपको स्क्रीन पे शो ही हो रहा है, 3 लीटर का बूट स्पेस आता है। और इसके नीचे आपको अलॉय स्टेपनी मिल जाएगी और इसको बंद करने के लिए आपको यहाँ पे हैंडल दिया गया है। और अब बात करते हैं इसके ड्राइवर साइड डोर से, मैं साथ साथ आपको टॉप वेरिएंट के कंपेयर भी करके दिखाता रहूँगा इसको। डोर शुरुआत करें तो आप भी इसको चेक करो, किसी वेरिएंट में लीजिए ब्लैक एंड वाइट की थीम मिलती है। और इसमें यहाँ पे कोई भी हार्ड प्लास्टिक दिया गया है, कोई सॉफ्ट टच लेदर वगैरह नहीं दिया गया, यहाँ पे ग्रैब हैंडल और यहाँ से आप आपके बारे में इसको एडजस्ट और फोल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये की के साथ लॉक अनलॉक के साथ फोल्ड नहीं होंगे, वो टॉप वेरिएंट में ही होंगे, इसके अंदर आपको मैनुअली करने पड़ेंगे। और चारों पावर विंडो कंट्रोल, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में आपको डोर ओपनर दिया गया है, जिसमें सबसे बड़ी कमी लग रही है मेरे को, अगर आप यहाँ पे हाथ डाल के इनको ओपन करते हो तो थोड़ा अजीब फीलिंग आती है, मतलब कंफर्टेबल नहीं है थोड़े, इसमें थोड़ी यहाँ पे गलती लग रही है मेरे को। और बात करते हैं इसके इंटीरियर से, उसमें बात करें पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके MID टॉप वेरिएंट से आपको एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, इसमें आपको फुल्ली एनालॉग मिलेगी, बीच में से छोटी MID मिलेगी, लेकिन उसमें आपको टॉप वेरिएंट के अंदर जाते हैं तो उसमें आपको फुल्ली तो नहीं एनालॉग प्लस डिजिटल MID मिल जाएगी। उसके अंदर आपको स्पीडोमीटर है जो RPM मीटर है जो वो सिर्फ वो मिलेगा एनालॉग मिले, बाकी मेरे हिसाब से जो ये मतलब मीटर है ना यही सबसे बेस्ट है, सदाबहार देखने में एक नंबर अलग। उसके अंदर आपको 2 मोड मिलते हैं जिसकी यहाँ पे सिटी और इको, ये बहुत वही टॉप वेरिएंट मिलते हैं। MID देखने में ज़्यादा बढ़िया लग रही है। और इस साइड इसके हेडलैम्प के कंट्रोल हैं जो कि ऑटोमेटिक नहीं आते, इस साइड इसके वाइपर कंट्रोल हैं ये भी ऑटोमेटिक नहीं आते, इसके लिए आपको टॉप वेरिएंट के अंदर जाना पड़ेगा। इसके अंदर आपको हरमन का म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, थोड़ा बहुत तो लैग करता है ये,
ऐसे क्लॉक शुरू हो जाती है। इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक एसी नहीं मिलेगा, अगर ऑटोमेटिक एसी चाहिए तो उसके लिए भी टॉप वेरिएंट में ही जाना पड़ेगा। और इसके अंदर गियर बॉक्स की बात करें तो 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। इसमें कोई वायरलेस चार्जिंग वगैरह का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आपको USB के पोर्ट दिए गए हैं, USB के पोर्ट दिए गए और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। और इसके अंदर आपको कोई भी आर्म रेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा, चाहे टॉप वेरिएंट में जाएँ चाहे किसी वेरिएंट में, ना ही आगे मिलेगा ना ही पीछे मिलेगा। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक की प्लेसिंग दी गई है, यहाँ पे 2 कप होल्डर और छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। ना इसमें लेदर सीट कवर मिलेंगे, सिंपल फैब्रिक मिलेंगे। जो आयर मिरर है ये भी आपको मैनुअल मिलेगा, चाहे टॉप वेरिएंट के अंदर जाएँ चाहे बेस के अंदर, ऑटोमेटिक किसी में नहीं मिलेगा। ड्राइवर साइड बात करें डोर सनवाइजर में यहाँ पे कोई मिरर नहीं है। पैसेंजर साइड आपको मिरर मिल जाएगा लेकिन लाइट नहीं मिलेगी। ग्रैब हैंडल है वो आपके एडजस्टेबल हैं। और अब बात करें इसके ग्लोव बॉक्स की, टाटा की सभी गाड़ियों में आपको पता है सॉफ्ट ओपनिंग के साथ आता है और डिसेंट स्टोरेज है इसमें, लेकिन नेक्सॉन उसमें तो मैसिव स्टोरेज के साथ आता है, इसमें डिसेंट स्टोरेज है। इसके अंदर आपको बूट लैंप मिल जाता है, ये कूल्ड ग्लोव बॉक्स नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको कट दे के छोड़ रखा है लेकिन ये कूल्ड है नहीं। उसमें स्पीकर की बात करें तो 4 स्पीकर 2 ट्विटर मिल जाएंगे। और इसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएंगे जिनके कंट्रोल ये रहे, और इस साइड आपको सारे आपके मीडिया से जुड़े हुए कंट्रोल मिल जाएंगे और MID से। और अब बात करें इसके सीट एडजस्टमेंट की, ये आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है और ये मैंने पूरी पीछे करती है। और पीछे चल के बात करते हैं, रियर डोर की बात करें तो अगेन आपको वाइट एंड ब्लैक फिनिश मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको पावर विंडो का कंट्रोल, यहाँ पे बोतल होल्डर। और यहाँ पे आपको लेग रूम की बात करें, नी रूम इसमें आपको इतना खास नहीं मिलेगा, 6 फीट का बंदा तो बैठ ही नहीं सकता अगर सीट पूरी पीछे हो। आपको हेड रूम इसके अंदर अच्छा खासा मिल जाता है, चाहे 6 फीट का बंदा हो चाहे 5.5 फीट का। जो हेड रेस्ट की बात करें, फ्रंट हेड रेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलेंगे, रियर आपको एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे। और अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की, तो इसके अंदर 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 83 BS पावर जनरेट करने वाला पेट्रोल इंजन आता है, जो मैं एक बार आपको खोल कर दिखा देता हूँ। इंजन और दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ इसका इंजन है 1.2 लीटर का। थोड़ा नॉइजी तो है, हुंडई जितनी रिफायरमेंट तो नहीं है टाटा की पेट्रोल इंजन के अंदर, लेकिन ठीक है। और अब बात कर लेते हैं, और जो इसका एंटीना है आपको टाटा की किसी भी कार में इस मतलब इसमें शार्फिन नहीं मिलता है, तो इसमें भी आपको शार्फिन एंटीना नहीं मिलता है। मैं आपको एक बार स्टार्ट और करके दिखाता हूँ इसका इंजन साउंड, इतनी कुछ इंजन साउंड है, बाहर से दिखा देता हूँ। कैबिन में हल्की हल्की वाइब्रेशन तो है, जैसे अल्ट्रोज में है ना वैसे ही सेम, हैंडल पे भी आपको महसूस होगी वाइब्रेशन। और बाहर से AC बंद कर दूँ, AC भी बंद कर दिया फिर भी इसमें इतनी साउंड तो है। साउंड थोड़ी ज़्यादा है पेट्रोल इंजन के हिसाब से, शायद आने वाले टाइम में टाटा क्या पता इस पर काम कर ले। तो ऐसी कुछ थी भाई टाटा पंच का मेरा ओवरव्यू। अगर आपको ये वेरिएंट मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, या फिर आप रिदम पैक पर भी जा सकते हैं आपको लेना हो तो। अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।